नमस्कार दोस्तों, कॉइन डायरी चैनल में आप सबका स्वागत है। पहले मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को एक रुपया का सिक्के दिखाने जा रहा हूँ। एक रुपया सिक्के कॉपर निकेल स्टील छोटा बड़ा मोटा बहुत तरीका के मिंटेज हुआ था। मैंने अभी आप लोगों को जो सिक्के दिखा रहा हूँ, ये सिक्के 30 ग्राम का सिक्के, जो सिक्के मैं दिखाता हूँ वो सिक्के के बारे में डिटेल्स में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि सिक्के के लिए जानकारी बहुत ज़रूरत है और ये जानकारी नहीं रहने से सिक्के पहचानना बहुत मुश्किल है और उसका प्राइस वगैरह सब कुछ जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सिक्के की पूरा डिटेल्स दे देता हूँ मेरे वीडियो में। तो आप लोग अभी मेरे वीडियो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर स्किप करेगा तो पूरा वीडियो नहीं देखने से पूरा ज्ञान आप लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को विनती करता हूँ, स्किप मत कीजिए, टोटल वीडियो को देखिए। छोटा वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये 6 ग्राम वाला कॉपर निकल का ये सिक्के इंडिया में पहले मिंटेज हुआ था 1982, और 1982 से लेके 1991 तक ये 6 ग्राम वाला सिक्के मिंटेज हुआ था। तो दोस्तों, 6 ग्राम वाला सिक्के की डिफरेंट जो ईयर है, मिंट है, उसका कुछ सिक्के है जो बहुत कीमती सिक्के है, वो मैंने मेरा दूसरे वीडियो में बताया। तो दोस्तों, मैंने आज आप लोगों को 1985 का एक खास कॉइन दिखा रहा हूँ। एक खास कॉइन है एज मिंट मार्क, देखिए आप लोग एकदम ध्यान से, एज 1985 जहाँ लिखा है, 5 का नीचे देखिए एज, एक मिंट मार्क दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, एज मिंट मार्क वाला सिक्के लेके बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे उन लोगों कुछ बताया प्राइस वगैरह। तो दोस्तों, मैंने एक बात आप लोग को बताने चाहता हूँ, ये सिक्के 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जैसे भी प्राइस आप लोग देखा है, ये सब प्राइस एकदम बकवास है। ये सब प्राइस के लिए मत आप लोग सोचिए, क्योंकि ये सिक्के कुछ खास सिक्के नहीं है, ये सिक्के इतना दाम का सिक्के नहीं है, ये सिक्के एकदम नॉर्मल सिक्के है। जनरल सर्कुलेशन हुआ था मार्केट में, बहुत सारे सिक्के आया था। तो दोस्तों, एज का मतलब क्या है ये मैंने आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, एज का मतलब है हेट ऑन मिंट। हेट ऑन मिंट कहाँ पर है? बर्मिंघम लंदन में, लंदन में ये सिक्के छपा मिंटेज हुआ था। तो दोस्तों, हेट ऑन मिंट लंदन में, जो हेट ऑन मिंट है वहाँ पर ये सिक्के क्यों छपा हुआ था, इसका बारे में थोड़ा बता दूँ। तो दोस्तों, एक टाइम आया था हमारा इंडिया में ये जो खुजरा पैसा, जो सिक्के वगैरह, इसका बहुत कम दिखाई देने पड़ा। तब इंडिया गवर्नमेंट ने सोचा जब बाहर से कुछ सिक्के मिंटेज करके ले आए, तो इसके लिए बाहर का 8-9 मिनट से हमारा यहाँ 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 8 आना, 4 आना, 10 पैसा, ऐसा बहुत मिंटेज हुआ था। तो उसके अंदर एज मिंट मार्क एक सिक्के है 1 रुपया का। तो दोस्तों, ये सिक्के कुछ खास प्राइस का नहीं है, ऐसे ही मार्केट में मिलता है। 1 रुपया का सिक्के कितना देगा? 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, मेरे हाथ में जो है एकदम JM UNC है। और एक बात बता दूँ, ये सिक्के ज़्यादातर JM UNC होता है, इसका मेटल जो है बहुत पॉलिश हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों, ये सिक्के कोई काम की नहीं है, ज़्यादा दाम की नहीं है, और ये सिक्के में वैरायटी अगर मिल जाए तो वो बहुत दाम में सेल हो सकता है, क्योंकि बाहर का जितना मिंट है, फॉरेन मिंट में मिंटेज हुआ सिक्के, मिसप्रिंट, शिफ्टिंग,
और दूसरा डिफेक्ट ज़्यादातर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ सिक्के में मैंने देखा जो बहुत ज़्यादातर डिफेक्ट आ गया, जैसे एक्स्ट्रा मेटल हो गया, जैसे लायन का वैरायटी हो गया, जैसे इसको शिफ्टिंग हो गया, जैसे ये रोटेट हो गया, ऐसा सिक्के बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर मिल जाए तो वो सिक्के की कीमत बहुत ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। एक सिक्के 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक फॉरेन मिंट वाला सिक्के अगर मिसप्रिंट हो जाए तो उसका कीमत मिल सकता है, वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि फॉरेन मिंट में जो सिक्के मिंटेज होता है वो सिक्के कभी भी ऐसा होने का चांस कम है, लेकिन दो चार सिक्के हो जाता है वो बोरा में चला आता है, और वो सिक्के अगर कोई कलेक्टर का हाथ में आ जाए तो वो सिक्के बहुत बहुत कीमती दाम में सेल हो सकता है। तो दोस्तों ऐसा एज मिंट मार्क वाला सिक्के की कोई खास वैल्यू नहीं है, मैंने बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, सबका मेरा नमस्कार।